Hi, this is Manisha Singh. Welcome back to my YouTube channel. Friends, I hope you all are doing well and good and आपकी preparation भी बहुत अच्छे से चल रही होगी. So, लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक upcoming job recruitment की update जो कि directly निकल के आ रहा है Indian Coast Guard की तरफ से GD and DB recruitment 2023 के लिए. फ्रेंड्स, ये ऑल इंडिया की वैकेंसी रहने वाली है. जो भी बच्चे डिफेंस में यानी कि इंडियन नेवी में जॉब करना चाहते हैं उनके लिए परमानेंट वैकेंसी निकल कर आने वाली है. सो आज की इस वीडियो में कंप्लीट डिटेल में मैं बताने वाली हूँ कि इसके लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, एज लिमिट कितना रखा गया है. साथ ही साथ फ्रेंड्स, अपकमिंग जो वैकेंसी है उसकी डेट बताने वाली हूँ, आपका एग्जाम की पैटर्न, मिनिमम पासिंग मार्क्स, सारा कुछ आपको बताने वाली हूँ. तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना. तो चलो फ्रेंड्स, बिना टाइम को वेस्ट करते हुए हम लोग फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं. सबसे पहले आपको बता दूं फ्रेंड्स, ये आपकी जो वैकेंसी आ रही है कोस्ट गार्ड नाविक जीडी एंड डीवी की रिक्रूटमेंट रहने वाली है. इसके लिए आपको फॉर्म की जो फी रखी गई है, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपीज एंड अदर कैंडिडेट्स, मतलब कि और किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाएंगे. एज की बात करूं तो एज लिमिट आपका मिनिमम 18 इयर्स एंड मैक्सिमम 22 इयर्स रहने वाला है. तो मतलब ये एज आपका कब से कैलकुलेट होगा ये अभी नहीं बताया गया. जैसे ही फॉर्म आएगा ना, मैं आपके लिए एक न्यू फ्रेश वीडियो लेकर आऊंगी, उसमें सारा कुछ बता दूंगी. अभी आप ये मान के चलो कि अगर आपका एज 18 टू 22 इयर्स के बीच में है तो आप इसके लिए तैयारी करना अभी से ही स्टार्ट कर दो. एज में फ्रेंड्स रिलैक्सेशन भी मिलता है, ओबीसी को 3 इयर्स का एंड SC ST को 5 इयर्स का. तो इसको भी ध्यान में रख के आप अपनी तैयारी को करना. अब बारी आती है एलिजिबिलिटी की, मतलब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट रखी गई है. फ्रेंड्स, जनरल ड्यूटी यानी जीडी वालों के लिए 10+2 अगर आप पास आउट हो, आपका सब्जेक्ट मैथ और फिजिक्स होना चाहिए, तब जाके आप एलिजिबल रहने वाले हो. वहीं पे डोमेस्टिक ब्रांच यानी डीबी में अगर सिंपली आप 10th पास आउट हो तो आप 110% एलिजिबल रहने वाले हो. अब बारी आती है सिलेक्शन की प्रोसेस की. तो आपका जो सिलेक्शन है फ्रेंड्स, वो आपका 3 मेजर स्टेज पे डिपेंडेबल रहने वाला है. फर्स्ट होता है आपका रिटन एग्जाम. जैसा आप सभी जानते होंगे कि डिफेंस सेक्टर के हर एग्जाम का ना जो पेपर कंडक्ट कराया जाता है ऑफलाइन पेपर होता है. तो ये आपका पेन एंड पेपर जो बेस्ड होता है ना, OMR मोड में एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा. देन होगा फ्रेंड्स आपका सेकेंड स्टेज पे PET यानी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट एंड DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. उसके बाद होता है आपका मेडिकल. देन आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर दे दी जाती है. सो फ्रेंड्स, चलो अभी हम लोग समझ लेते हैं कि रिटन एग्जाम आपका कैसे कंडक्ट कराया जाता है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूं कि आपका 2 सेक्शन में होता है. तो चलो पहले सेक्शन 1 का एग्जाम पैटर्न आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. सेक्शन 1 में 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स के लिए 40 मिनट्स का पेपर होता है और इसका कोई सा भी ना निगेटिव मार्किंग नहीं रखा जाता है. इसमें आपको मैथ्स के 20 क्वेश्चन होते हैं 20 मार्क्स के लिए, साइंस के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए, इंग्लिश के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के लिए, रीजनिंग के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के लिए एंड आपका लास्टली जनरल नॉलेज के 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए रहेंगे. उसके बाद होता है फ्रेंड्स सेक्शन 2. तो आइए उसका भी एग्जाम पैटर्न आपको समझा देती हूँ. सेक्शन 2 में फ्रेंड्स आपका 50 क्वेश्चन रहेंगे 50 मार्क्स के लिए, 30 मिनट्स में ये आपका पेपर कंडक्ट कराया जाएगा. इसके लिए भी कोई सा भी निगेटिव मार्किंग आपका नहीं रखा गया. तो अगर हाँ आपको लग रहा है कि ये सही होना चाहिए तो तुक्का समझ के भी आप टिक लगा करके आ सकते हो. ये टेंशन नहीं रहेगा कि आपने जो सही बनाया है उसका मार्क्स यहाँ पे आपका डिडक्ट हो जाएगा. तो इसके लिए टेंशन फ्री हो के आप पेपर को दे सकते हो. इसमें 2 सब्जेक्ट के क्वेश्चन होते हैं, मैथ्स के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए, फिजिक्स के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के लिए. तो पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि मिनिमम पासिंग मार्क्स कैटेगरी वाइज क्या रखा गया है. फ्रेंड्स, सेक्शन 1 में जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का मिनिमम मार्क्स 30 होना चाहिए, SC ST का होना चाहिए 27,
सेक्शन 2 में जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस का मतलब आउट ऑफ 50 यहाँ पे 20 होना चाहिए, एससी एसटी का आउट ऑफ 50 यहाँ पे 17 होना चाहिए। तो जैसा कि एग्जाम पैटर्न मैंने बताया, मिनिमम मार्क्स भी बताया, तो बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि दो, मतलब कि ये होता है ना क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग दो पार्ट में बटा हुआ है कि एक जीडी का है एक डीबी का है। तो सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2, जैसा सेक्शन 2 में मैथ फिजिक्स है तो बहुत सारे स्टूडेंट का मैथ और फिजिक्स दोनों ही वीक होता है, तो उनका मतलब ऐसा सोच रहे होंगे कि क्या मेरा भी होगा। तो चलो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि किनका होगा किनका नहीं होगा। जीडी के लिए आपका सेक्शन 1 और 2 दोनों होगा जनरल ड्यूटी वालों को, जिसमें से जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 30+20, मतलब कि सेक्शन 1 में 30 एंड सेक्शन 2 में 20, ओवरऑल 50 मिनिमम मार्क्स लाना होता है। एससी एसटी को सेक्शन 1 में 27, सेक्शन 2 में 17, मतलब ओवरऑल 44 मार्क्स कम से कम लाना होता है यहाँ पे। डीबी वालों के लिए सिर्फ सेक्शन 1 होता है, मतलब कि जो होता है ना आपका डोमेस्टिक ब्रांच वाले होते हैं ना, जो 10th पास आउट पे वैकेंसी आएगी उनका सिर्फ सेक्शन 1 होता है। तो इसमें जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को आउट ऑफ 60 30 मार्क्स लाना है, एससी एसटी को आउट ऑफ 60 27 मार्क्स लेकर आना है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि एग्जाम की पैटर्न आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब बारी आती है आपके पीईटी यानी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट, प्लस उसी में आपका जो फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होता है वो भी हो जाता है। तो आओ मैं आपको बता देती हूँ, आपका रनिंग होता है फ्रेंड्स 1.6 किलोमीटर की रनिंग होती है, 7 मिनट में आपको कंप्लीट करना होता है। स्क्वाट अप्स यानी कि उठक बैठक आपको 10 लगाने होते हैं, पुशअप्स आपका 10 रखा गया है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, आपका मिनिमम हाइट का जो मेजरमेंट होता है उसमें आपको 157 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट होनी चाहिए। तो ये सब तो आप समझ गए। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम मैंने ये सब कंप्लीट कर लिया, मेरी ज्वाइनिंग लेटर आ गई, मैंने ज्वाइन कर लिया, तो कहाँ पे जॉब की लोकेशन रहेगी? ये आपका ऑल ओवर इंडिया में एज पर लोकेटेड बाय इंडियन नेवी आपको सर्व करना पड़ सकता है। साथ ही साथ मैं समझ रही हूँ सैलरी का भी जानना, हर जो भी कैंडिडेट होते हैं ना उनका एक मोटिवेशन होता है कि मुझे सैलरी पता चले। सच्चा मोटिवेशन ना आपको सैलरी ही देता है। तो मैं आपको बता देती हूँ फ्रेंड्स, इसका जो सैलरी रखा जाता है मिनिमम जो आपका स्टार्टिंग में होता है वो 30K होता है, मतलब कि 30,000 पर मंथ की सैलरी से आपकी ज्वाइनिंग होती है। अच्छे खासे पर्क्स एंड अलाउंसेस भी देखने को मिलते हैं, तो बाद में ना आपकी सैलरी और भी ज़्यादा हो जाती है, तो मोटिवेशन और भी ज़्यादा हो गया होगा आप सभी का। तो अब आते हैं मेन इम्पॉर्टेंट मुद्दे पे। मुद्दे की बात यह है कि आप सोच रहे होंगे कि मैम आपने ये सब बता दिया, इम्पॉर्टेंट डेट तो बताया ही नहीं कि वैकेंसी कब आएगी। तो फ्रेंड्स, आपकी वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। ये जो आपका एडवर्टीजमेंट होने वाला है ना, ये आपका 1 जनवरी 2024 का आपका 124 करके एडवर्टीजमेंट आने वाला है। इसमें एक्सपेक्टेड डेट है आपका अगस्त लास्ट तक, मतलब कि इस मंथ के लास्ट तक ना आपकी ये वैकेंसी 110% आ जाएगी। तो आप लोग ना बेफिक्र होकर अपनी तैयारी की स्पीड को बूस्ट करो, ताकि जब ये पेपर आए तो उस टाइम आप एक बार में ही ना क्रैक कर लो। पीईटी वगैरह के लिए भी अभी से तैयारी स्टार्ट कर दो। सो फ्रेंड्स, आई होप कि मैंने जो डिटेल आपको बताए हैं कोस्ट गार्ड जीडी एंड डीबी रिक्रूटमेंट 2023 के रिगार्डिंग, आप लोग उसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे। और अगर समझने में ना फ्रेंड्स थोड़ी सी भी दिक्कत आ रही हो तो कमेंट सेक्शन है ना यार, आओ वहाँ पे आप क्वेश्चन पूछो, मैं आपके क्वेरीज को सॉल्व करने की वहीं पर कोशिश करूंगी। और अगर ज़्यादा आप कनेक्ट होना चाहते हो मुझसे तो मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। और हाँ फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो ना तो वीडियो को भर भर के लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना ताकि उनको भी जानकारी मिलनी चाहिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे सेट कर देना ताकि मेरी सारी न्यू वीडियो सबसे पहले आप सभी तक आए। तो मिलूंगी आपसे फिर से किसी जबरदस्त जॉब की अपडेट के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय, टेक केयर।